दोस्तों अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सुपर शम्स फैक्ट्री लैब में खुश आमदीद। दोस्तों आज एक टॉपिक है, एक टॉपिक ये है कि अगर वाशिंग पाउडर में दो केमिकल आप साथ में मिक्स करते हो तो आप तबाह हो जाओगे। आपकी वाशिंग पाउडर क्या जो फैक्ट्री है उसकी प्रोडक्शन तबाह हो जाएगी। वो कौन से केमिकल है वो बता देता हूँ। चार हिस्से हैं हमारे इस टॉपिक के, ठीक है। तो सबसे पहले हम आते हैं सोडियम सिलिकेट। ये सोडियम सिलिकेट हम डालते हैं वाशिंग पाउडर में, कम ही दोस्त डालते हैं, मगर यहाँ एशिया में हम डालते हैं। इसमें सिलिका जेल, ये रेत जो होती है ना, रेत और सोडा एश मिला के ये दोस्त बनती है। ये 70% गिलास की सनत में इस्तेमाल होती है, इससे शीशा बनता है। हम इसलिए यूज़ करते हैं कि इसमें है सिलिका जेल, ठीक है। वो सिलिका जेल हमारे वाशिंग पाउडर में सॉफ्टनेस भी लेके आती है, ऑयली भी करता है, ठीक है। ठीक, ये है सोडियम सिलिकेट का फंक्शन। ठीक, आइए नमक पे। हम नमक वाशिंग पाउडर भी क्यों डालते हैं जना, लैब है ना, फैक्ट्री लैब है यहाँ, तो वो रिसर्च करेंगे जो हम मैन्युफैक्चर रजात के फायदे की बात होगी, न को केमिकल बेचने वाले की, न को केमिकल मैन्युफैक्चरर वाले की, वो उनकी बात नहीं हो रही। हम मैन्युफैक्चरर हैं, मजदूर हैं, हम बना रहे हैं कोई चीज़, हम पैसे दे के केमिकल खरीदते हैं, तो हमें सीखना पड़ेगा इन केमिकल के फंक्शन क्या है, रिएक्शन क्या है। दोस्तों इनके फ़ायदे भी हैं, इनके नुकसानात भी हैं, आज नुकसानात की बात करेंगे। नमक जनाब हम 3% इस्तेमाल इसलिए करते हैं, 100 kg के लाट है तो 3 किलो इसलिए इस्तेमाल तक करते हैं कि नमक ब्लड के खून के धब्बे मिटाता है। दूसरा, ब्लड के अलावा नमक जो है वो कलर को मजबूत करता है, रंगीन कपड़े के कलर को। दो फायदे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 3% डालना चाहिए। अगर जहरे, हम यहाँ गरीब लोग हैं, गरीब मुल्क हैं, इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका, हम जो हैं इसको फिलर के तौर पर, हम इसको वज़न बढ़ाने के लिए 60% 70% नमक इस्तेमाल करते हैं, ये हकीकत है दोस्तों, ठीक है। ये होगी दो बातें। आओ आओ तीसरी बात में, अगर साथ हम वाशिंग पाउडर में 25% से 70% इस्तेमाल कर रहे हैं, फिर बता रहा, जो दोस्त अपने वाशिंग पाउडर की रेसिपी में नमक 25% 100 kg पे 25 किलो, 100 kg पे 70 किलो तक नमक इस्तेमाल करते हैं, वो सिर्फ प्राइस को कंट्रोल करने के लिए, अखराजात को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। यह है तीसरी बात। आइए चौथी बात पे, घबराओ नहीं, उठो, नींद से उठो, सीखो इन केमिकल से। मैं कोई आपको परेशान करने की कोई अल्हम्दुलिल्लाह कोई चीज़ नहीं बता रहा, आपको आगाही दे रहा हूँ, आपको नुकसान को बचाने के एक तरतीब बता रहा हूँ, इल्म दे रहा हूँ, ठीक है। दोस्तों असल बात चौथी ये है कि जिस वाशिंग पाउडर में टालकम पाउडर, ठीक है, या मार्बल पाउडर पड़ा हो उसमें सोडियम सिलिकेट नहीं डालना, ठीक है। आज का मौजू ये है, जिस वाशिंग पाउडर में आप टेलकम पाउडर यूज़ करते हो या मार्बल पाउडर यूज़ करते हो उसमें सोडियम सिलिकेट नहीं डालना। अगर ये दोनों डालोगे तो वाशिंग पाउडर गंदा हो जाएगा 1 से 8 के बाद या 6 महीने के बाद, ये आपको कोई नहीं बताएगा। केमिकल वाले का भी सेल हो रहा है, केमिकल वाले का टेलकम पाउडर भी सेल हो रहा है, कितने नुकसान आते हैं टेलकम पाउडर के वो कोई नहीं बताएगा, मैं बताता ही रहता हूँ, पत्थर है, ठीक है, पत्थर है भाई, नहीं इस्तेमाल करो, फिर दिखा रहा हूँ 1 सेकंड। हाँ दोस्तों देखो, 1 महीना हो गया है तकरीबन, टेलकम पाउडर मैंने पानी में डाला है,
पत्थर है ना, नहीं गल रहा। ये जब वॉशिंग पाउडर मशीन में जाता है तो कपड़ों की रगड़ा ही करता है, कितना नुकसान है। गलने का तो सवाल ही पैदा नहीं है क्योंकि ये पत्थर है। ये तो एक अलग चैप्टर है, ठीक है। अब बार बार बंद इसलिए करना मुझे पड़ रहा है कि मोहल्ले में गाने चल रहे हैं कि महबूब को ना पहचाना है, उसको साई से करना है, ठीक है ना। तो चलो वो भी सुनते चलते हैं और हम अपना काम करते हैं। अभी ये बता दिया कि जिस वॉशिंग पाउडर में टेलकम पाउडर हो या मार्बल पाउडर हो उसमें सोडियम सिलिकेट नहीं डालना, नहीं तो गंदा हो जाएगा। यहाँ तक पहुँचे। अब जब दोनों चीज़ें पढ़ी हैं, मैंने तजर्बे नहीं किए, किताबों में मैंने रिसर्च की, रात को किताब पढ़ रहा था, कभी भी पहले ट्रायल करके आपको नहीं बताता। हर चीज़ आप सामने रख के बताता हूँ ताकि जो गलतियाँ वो भी सामने आ जाएंगी। गलतियाँ सामने आएंगी तो आप भी सीखेंगे। बनी बनाई चीज़ होटल पे हम खाने खाने जाते हैं हमेशा, जनाब अली जाते हैं पीसी होटल कराची में है, या रोज हर हफ्ते हम जब केएफसी में जाते थे, हमें तो बर्गर सामने, बेहतरीन बर्गर, बेहतरीन बाउल, टोटल एयर कंडीशन, प्ले ग्राउंड भी बच्चों के लिए है। मगर उसके पीछे कितनी मेहनतें हैं, कितनी स्ट्रगल है, कहाँ से जनाब चिकन आ रहा है, कहाँ से ये पूरी चैन बन रही है, ठीक है। तो आइए, ये मैंने टेल कंपाउंड उठाया, यहाँ इसमें थोड़ा डालते तो क्या रिजल्ट आता है, यकीन करो मैंने पहले कभी ये नहीं ये तजर्बा किया। तजर्बों के साथ हम खेल रहे हैं तो खुद क्यों ना एक दूसरे को बताएं। दोस्तों का ये कहना है कि भाई ये खुद रेत से बनता है, रेत के जरूर से बनता है सोडियम सिलिकेट। काइंडली आप जिसमें टेलकम पाउडर हो उसमें ये जो ना बयाली सिलिकॉन सोडियम सिलिकेट नहीं डालना। देखो जब हम तजर्बे करते हैं ना कोई नई चीज़ भी सामने आती है। आपको ये महसूस हो रहा है, देखो महसूस हो रहा है, ये पानी में नहीं गलता, यहाँ इसमें भी नहीं गल रहा, महसूस हो रहा है। देखो इत्मीनान से देखो, ये पानी में भी नहीं जालिम गलता तो यहाँ भी कैसे गलेगा, ठीक है। जब ये सूखेगा, मेरा अंदाज़ा है, ठीक है, ये मैंने कभी तजर्बा नहीं किया, जब ये सूखेगा इसको गंढा बना देगा, जब ये सूखेगा तो इसको गंढा बना देगा। खुदा रा इस केमिकल को सीखो, किसी केमिकल के कहने पे मत आओ, किसी के चिकनी चिकनी बातों पे नहीं आओ। और रोज़ाना आप आते हो, रात को कल आज रात किसी बच्चे ने टेलीफोन किया, अंकल कास्टिक सोडा दिखा रहा था, काली बिल्कुल काली थी, अंकल ये नई ने ताज़ी ताज़ी एक दोस्त ने तोहफा दिया है, कैसी है कास्टिक सोडा। अब मैं क्या कहूँ भाई, मेरे मेरी जान, मेरे शहजादे, जो रजिस्टर्ड कंपनी है, जो इंटरनेशनल कंपनी है वहाँ से ख़रीदो, छोड़ो ईरानी तेल को, तबाह कर देगा, तबाह हो रहे हैं तकरीबन 10 साल से। वो जो केमिकल बेच रहे हैं वो करोड़पति बन रहे हैं, जो मैन्युफैक्चरर हैं छोटे पैमाने में काम करने वाले, जो बनाने वाले मैन्युफैक्चरर, वो तबाह हो रहे हैं। अब महसूस किया कि ये गलेगा तो नहीं, मगर जब ये सूखेगा तो ये घंटा बन जाएगा। कभी भी वॉशिंग पाउडर में जहाँ टेलकम पाउडर डाल रहे हो तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड नहीं डाल, सुपर शम्स फैक्ट्री लैब में मैनुफैक्चरर हजरात के लिए बेइंतहा सहूलतें, बेइंतहा इंफॉर्मेशन देता ही रहूँगा। ये फ़ायदेमंद भी उन दोस्तों के लिए है जो या वॉशिंग पाउडर की फैक्ट्री, लेदर की फैक्ट्री, टेक्सटाइल की फैक्ट्री लगाना चाह रहे हैं, सीखना चाह रहे हैं, उनके लिए फ़ायदेमंद है। या जो वॉशिंग पाउडर की फैक्ट्री या साबुन की फैक्ट्री चला रहे हैं, ठीक है। मुझे दीजिए इजाज़त सुपर शम्स फैक्ट्री लैब से। खुदा हाफिज़।